हम आपको एबीपीएस न्यूज टीम के साथ जनपद सहारनपुर के ब्लॉक सरसावा में स्थित पटनी गांव में लेकर चलते हैं। लगभग 8000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 13 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान रेखा सैनी हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वर्तमान प्रधान ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में शौचालयों का निर्माण कराकर पात्रों को वितरित किए हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 290 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 7 सीसी टाइल्स रोड, जल निकासी के लिए 2 नाले, 1 खडंजे का निर्माण भी कराया है। इसी के साथ ही गांव को स्वच्छ रखने के लिए 50 कूड़ेदान भी लगवाए गए हैं। वहीं पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 58 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 5 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। बात अगर विद्युत व्यवस्था की जाए तो गांव में 150 विद्युत पोल, 12 विद्युत ट्रांसफार्मर व लगभग 100 सोलर लाइट वर्तमान प्रधान द्वारा लगवाई गई हैं। साथ ही साथ बैठने के लिए 51 बेंचें भी लगवाई गई हैं। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 400 शौचालय, शमशान घाट की बाउंड्री, 1 तालाब तथा पानी निकासी के लिए 1 नाले के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधानपति तेजपाल सैनी, ग्राम पटनी, विकासखंड तरसावा, जिला सहारनपुर, तहसील सहारनपुर। मैं अपने गांव के विकास के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। सरकार जो भी योजना देगी मैं अपने गांव में उसे लगाऊंगा। मैंने अपने गांव के विकास में सबसे पहले सीसी डाली थी, जो रास्ता मस्जिद पर जाता था वहां पे मैंने सीसी डाली थी। उसके बाद मैंने 5-6 सीसी डाली जो गलियां बहुत गंदी थी, जहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही थी कि यहाँ पे नाला नहीं बनने दूंगा। मैं एक पक्ष कहता था कि बनने दूंगा, दूसरा पक्ष कहता नहीं। मैंने प्यार मोहब्बत से दोनों भाइयों को बिठा के, पूरे समाज को बिठा के वो काम अपना करा लिया। वहाँ पे सब खुश हैं। मैंने अपने गांव के अंदर 87 लाइट CFL, 51 लाइट LED, उसके बाद 44 बेंच बैठने के लिए जो यात्री सड़क पर खड़े होते हैं, जो हमारी बहन बेटियां सड़क पर जाकर बस की इंतज़ार करती हैं, अपने वाहन की इंतज़ार करती हैं तो वहाँ पर बैठ जाती हैं। 10 कूड़ेदान लगवाए जिससे कि गांव में स्वच्छता रहे, सभी भाई कूड़ेदान का प्रयोग करें जिससे कि सफाई कर्मी आए अपने उस रेड़े में, अपने तसले से जैसे भी वो कूड़ा उठा रहा है, अपने रेड़े से उठा रहा है तो वो उसे जाकर गाँव से बाहर डाले। मेरे गाँव में एक मैं यही कहूँगा कि मेरे हिंदुस्तान की धरोहर कहूँगा मैं, अपने पूरे हिंदुस्तान की। मेरे यहाँ एक परियों का कुआ बोला जाता है, करीबन ये 200 साल पहली बात होगी कि जब हमारे बुजुर्ग बताते थे हमें कि यहाँ पे एक हमारा गांव काड़ू मजरास में पड़ता है, तो वहाँ पे उन्होंने मंदिर नुमा एक भवन बनाया था। उस मंदिर में से उन्होंने सुरंग बनाई थी जो मेरे गाँव पटनी तक पहुँची थी। वो 7 मंजिली मकान है, उसमें जनता इतना कूड़ा डाल रही कि अब वो उसका देखना भी वहाँ को बंद हो रहा है कि जर्जर हालत में है। यदि सरकार मुझे इसका अनुदान दे या सरकार अपने किसी अधिकारी को भेजे उसकी सफाई हो, ये एक हमारे गांव की, हमारे देश की धरोहर है जो दूर दूर से आदमी देखने के लिए उसको आएंगे। तब उसमें परियां, ऐसा सुना भी मैंने, ऐसा भी सुना था कि वहाँ पर परियां नाच गाना करती थी। वो एक ही रात का बनाया हुआ था। जब ये कहते थे कि जब हमारे माताएँ, हमारी दादी जो हमारे बुजुर्ग थे, पहले हाथ से चक्की पीसते थे, तो तड़क में उन्होंने जैसे कि 3 या 4 बजे चक्की झोई तो वहाँ पे ये परियों ने, जो दानव थे, उन्होंने ये सोचा कि अब जागर हो गई, तो भी उसे उसको छोड़ के उसी दिन वन से निकल गए थे। ये करीबन 2 किलोमीटर की इसकी लंबाई होगी। और ये कुआ जब हम छोटे थे तब हमने बहुत अच्छी तरह देखा, हम उसके अंदर गए भी हैं, तब बहुत अच्छा लगता था उसमें, आज उसमें कूड़ा भरा हुआ है। दूसरे नंबर पर मेरे गाँव में पानी की बड़ी समस्या है। मेरे गांव में करीबन 200 साल पुराना एक जोड़ था जो हम बचपन से देखते आ रहे, मेरे बुजुर्ग भी देखते आ रहे हैं। उस पर इतना अतिक्रमण हो गया कि मैं लेखपाल से बात करता हूं, किसी से बात करता हूं कि प्रधान जी ये जोड़ नहीं है, प्रधान जी ये तो ग्राम समाज है। अब मुझे मालूम नहीं वो ग्राम समाज है, दोनों तरफ से उसमें अतिक्रमण है, जबकि मेरे गाँव में इतनी गरीब जनता है कि वहाँ पे 40-50 मकान मिल जाएँ
तो मेरे गांव की जनता प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को, मेरे मुख्यमंत्री जी को, मेरे प्रिय सभी नेताओं को धन्यवाद देगी। मैं भी उनका धन्यवाद, मैं भी उनका आभारी रहूंगा।